दोस्तों 16 फरवरी 2023 को बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्रा इस वीडियो को ध्यान से देखिए वरना फेल हो जाएंगे। दोस्तों 16 फरवरी 2023 को बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए यूपी बोर्ड ने फाइनली दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि 16 फरवरी 2023 को परीक्षा के दिन आप सभी को कौन सी चीजें लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है, कैसे सावधानी बरतनी है, कैसे सचेत रहना है, कौन सी पेन लेके जाना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप देखने से पहले अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, आप सभी के लिए पूरी जानकारी दी जाएगी और 100% रियल और ऑथेंटिक न्यूज दी जाएगी। दोस्तों बोर्ड परीक्षा देने वाले हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 स्टूडेंट परीक्षा में क्या ले जाएं क्या नहीं, प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देश, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी अपडेट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले इसमें कई सारे अपडेट है, तो आप सभी को कौन सी चीजें लेकर के जाना है इसके लिए सबसे पहले बता देता हूं, उसके बाद आप सभी को बताऊंगा कि क्या लेकर के नहीं जाना है, उसके बाद आप सभी को कॉपी में किन पेनों का उपयोग करना है सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर प्रवेश पत्र से यानी कि संबंधित निर्देश यानी कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण अपडेट है, उसके बाद आप सभी को लिए और आगे महत्वपूर्ण अपडेट दिखाऊंगा, ठीक है। उसके पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों पहली पॉइंट है कि प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड अवश्य ले जाए। आप सभी को पता भी होगा हर परीक्षा में आप सभी का जो एडमिट कार्ड होता है लेके जाना अनिवार्य है। एक फोटोकॉपी भी घर पर रख ले, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक फोटोकॉपी रख ले वरना परीक्षा में जाते समय कहीं पे रास्ते में या कहीं भी आप सभी का प्रवेश पत्र खो गया तो आप सभी को दिक्कत हो सकती है, आप परीक्षा नहीं दे पाओगे, ठीक है इसके लिए। और यहाँ पर प्रवेश पत्र पर लिमिलेशन इसलिए करवाना जो है अनिवार्य है क्योंकि परीक्षा में मान लीजिए आप सभी का पानी गिर गया या दोस्तों भीग गया तो हो सकता है कि आपकी जो पहचान ना हो पाए प्रवेश पत्र पर, इसलिए आप सभी ऐसा ध्यान दें कि लिमिलेशन करवा ले, 10 रुपये का मात्र लिमिलेशन होगा, आप सभी करवा के रखें, ठीक है, क्योंकि प्रवेश पत्र के बिना आप सभी परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है स्क्रीन पर देख पा रहे, प्रवेश पत्र के साथ यदि रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो वह अवश्य ले जाएं। फिलहाल यह नियम तो खत्म कर दिया गया है लेकिन यदि आप सभी को मिलता है तो आप सभी जरूर लेके जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र को परीक्षा कक्ष में प्रतिदिन लाना अनिवार्य है, यदि आप एक दिन भी भूल गए तो उस दिन आप परीक्षा नहीं दे पाओगे, 100% कन्फर्म है, ठीक है, यानी कि 100% 2023 में कन्फर्म है कि यदि आप एक दिन भी भूल गए परीक्षा प्रवेश पत्र तो आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों चौथी पॉइंट को आप विशेष ध्यान से देखें, प्रत्येक प्रवेश पत्र को प्रधानाचार्य अपने समक्ष परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करा स्वयं हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कर परीक्षार्थियों को वितरित करेंगे, ठीक है, यानी कि आप सभी का जो प्रवेश पत्र है उस पर आप ध्यान दें कि आप सभी का उस पर मुहर प्रधानाचार्य की लगी हो और स्कूल का मुहर लगा हो, यानी कि आप सभी का सब कुछ उसमें यानी कि हो, फिक्स हो, ठीक है। यदि नहीं हो तो आप सभी करवा के ही जाए प्रवेश परीक्षा हॉल में, नहीं तो आप सभी को बाहर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ प्रवेश पत्र पर विषयवार परीक्षा की तिथि अंकित मिलेगी, उसी के अनुसार आप सभी को पेपर देने जाएं, यदि किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो उसकी जानकारी परीक्षा केंद्र पर दी जाएगी, यानी कि आप सभी को कोई भी फेक न्यूज यहां पर प्रोवाइड मिलती है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर मिल जाएगी कि आज परीक्षा कैंसिल हो गई 16 फरवरी को, इस तरह का कोई न्यूज है तो आप सभी उस पर ध्यान ना दें। साथ ही साथ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप सभी का जिस दिन मान लीजिए परीक्षा कैंसिल होती है तो परीक्षा केंद्र से ही जानकारी आप सभी को मिलेगी, यह 100% कन्फर्म है, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिलहाल आपकी जो परीक्षा केंद्र वहां की जानकारी आप वहां पे विशेष तौर से ध्यान दें, ठीक है। और साथ ही साथ छठी पॉइंट को यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में कैसे लिखना है इसके लिए हमारे चैनल पर शाम को वीडियो आ जाएगी, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं सातवीं बड़ी इस पॉइंट है आप सभी के लिए, कक्ष निरीक्षक से अभद्र या अशोभनीय व्यवहार ना करें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि आप कक्ष निरीक्षक के परीक्षा के दिन आप सभी ऐसा करते हो तो कक्ष निरीक्षक आप सभी को बाहर कर देगा या आप सभी को फर्जी यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे ये चिट लेकर आया है या कुछ भी है तो आपको फंसा देगा, इसलिए आप उससे उस दिन यानी कि परीक्षा कम से कम 5-6 दिन आप सभी को ऐसा नहीं करना है। पॉइंट को आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि रोल नंबर भरने में कठिनाई होने पर कक्ष निरीक्षक से आपको सलाह लेना है, जैसे मान लीजिए आप सभी को 18 लिखने नहीं आ रहा है या 74 नहीं लिखने आ रहा है तो आप सभी हिंदी में उसके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को, लेकिन आप सभी गलत ना भरें, नहीं तो आप सभी की परीक्षा कॉपी चेक नहीं होगी, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहां पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या क्या आप सभी को लेकर जाना है, ठीक है। अब बात हो गई थी यानी कि प्रवेश पत्र से संबंधित बात थी, लेकिन अब क्या क्या लेकर आपको जाना है और कौन सी चीजें नहीं लेके जाना है आगे देखिएगा, ठीक है। यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल में पहुंचने से पहले निम्नलिखित सामग्री लेके जाना है, ठीक है, तो यहां पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है।
पारदर्शी पॉलिथीन में लिखने के लिए सामग्री, जैसे यानी कि आप सभी को पता होगा छोटा सा बैग आता है, जैसा कि लड़कियां लेके अधिकतर जाती हैं, उसमें 10 रुपये या 20 रुपये का आता है, उसमें सब कुछ दिखता है कि यानी कि आपने कौन सा पेन लिया है और कौन सा फिट लिया है, रबड़ पेंसिल सब कुछ दिखता है बाहर से। ऐसा आप सभी को सामग्री लेके जाना है, या तो आप अपने हाथ में ही लेके जाएं, हाथ में ले जाएंगे तो हो सकता है कुछ गिर जाए, इसलिए आप ऐसा ले लीजिए, 10-20 रुपये का मिलता है, ठीक है। तो साथ ही साथ आप सभी के लिए कलर के दो दो डबल डबल आप सभी को, यानी कि ब्लैक और ब्लू जो है आप सभी को पेन भी डबल डबल लेके जानी है, क्योंकि मान लीजिए एक पेन खराब हो गई तो दूसरे से मांगना ना पड़े, हो सकता है कि परीक्षा में आपको कोई दे भी ना, क्योंकि सभी छात्र छात्रा अपना जो शब्द शुद्धा लेके जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका कोई छर्रा निकल गया, जो पेन का आगे का हिस्सा निकल जाता है, तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, आपको पेन ना मिले, इसलिए आप सभी डबल डबल पेन लेके जाएं, ठीक है। और डार्क बोल्ड पेन हेडिंग के लिए, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि यदि आप नया स्केच लेते हो तो कम से कम 1 या 2 दिन उसे चला करके यूज कर लीजिए, ठीक है। तो उससे जो पीछे का यानी कि ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, जिससे आपका पेज जो पीछे का पेज पे छपेगा नहीं, ठीक है, इसलिए आप ऐसा करके जाइए, ठीक है, और काफी खूबसूरत दिखेगी। यानी आप सभी को जो हेडिंग हो ब्लैक पेंसिल में डालो, उसे स्केच से डालोगे तो आपका जो हेडिंग इंपॉर्टेंट दिखेगा, और आप उसे नीली पेंसिल लिखो जो भी उत्तर लिखना हो। साथ ही साथ दूसरी पॉइंट है कि आप सभी एक पारदर्शी 12 इंच की स्केल ले जाए, ठीक है, यानी कि आप सभी का जो पारने में आप सभी को बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। और जब हेडिंग डालो तो उसके नीचे डबल लाइन की लेयर जरूर लगाओ, ठीक है, इससे काफ़ी आकर्षक दिखेगी, ठीक है। और साथ ही साथ तीसरी पॉइंट को आप विशेष तौर से ध्यान दो कि यदि विद्यालय या परीक्षा केंद्र द्वारा आज्ञा हो तो परीक्षा केंद्र पर 1 दिन पहले पहुँच करके आप सभी को पता लगाना है कि आप सभी की कमरे की स्थिति कैसी है, और आपका जो ब्रेंच है डेस्क है कैसा है, और यदि डेस्क खुरदरी हो या खराब हो तो क्लिप बोर्ड ले जाएँ, यानी कि अन्यथा नहीं, क्लिप बोर्ड जिस पर कॉपी पर रख करके लिखते हैं, यानी कि क्लिप बोर्ड का मतलब है, ठीक है, प्लास्टिक का पारदर्शी क्लिप बोर्ड ही लेकर जाएं, जिस पर कुछ भी ना लिखा हो, यानी कि 10 रुपये की वह जो दफ्ती होती है उसे ना लेकर जाएं, यानी कि प्लास्टिक की दफ्ती ले जाएं जिस पर आगे पीछे दोनों ओर से दिखे, ठीक है। वैसे फिलहाल ये सब इजाज़त नहीं है, लेकिन यदि आपके पास यानी कि मान लीजिए आपकी जो डेस्क है या खुरदरी हो, आपकी कॉपी लिखने में थोड़ा दिक्कत करे, तो लेके जा सकते हो, यानी कि आप सभी को पूछना पड़ेगा, और ऐसी दफ्ती लेके जाओ तो लेके जाने देंगे, ठीक है। और दोस्तों चौथी पॉइंट आप सभी को विशेष तौर से ध्यान देने की, आरामदायक 2 मास्क लेके जाएं, यानी कि मास्क ले जाने की कोई नौबत नहीं है, लेकिन फिलहाल आप सभी के यदि कक्षा में अलाउ है तो आप ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोरोना नहीं चल रहा है, इसकी वजह से आप ना लेके जाएं तब भी ठीक है। और साथ ही साथ कि 5वीं की बात है, जो परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करें, यानी कि कम से कम 30 मिनट पहले, 1 घंटा ना पहुंच पाए तो कम से कम 30 मिनट पहले ही पहुंच जाएं, और आप सभी वहां का माहौल देखें क्या चीज़ें हैं आज के दिन, और इस तरीके से आप सभी को, और जैसे बहुत सारे छात्र छात्र लेट पहुंचते हैं तो हड़बड़ी रहती है कि कहीं पर मान लीजिए आप परीक्षा कक्ष में जो लेट पहुंचे तो आप सभी को हड़बड़ी होती है कि क्या बोल दिया गया होगा, क्या बता दिया होगा, कापी में कैसे लिखें, इस तरह आप सभी आधा घंटे पहले पहुंचेंगे तो आप सभी का जो धड़कन होगी वह बहुत ही सामान्य गति से चलेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्र 10वीं के छात्र छात्रा विशेष तौर से ध्यान दें, 12वीं की तो एक बार बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप सभी कोई भी नॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हैं, और जूता चप्पल भी पहन के जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जूता भी पहन के जाएं कोई दिक्कत नहीं होगा, और ना ही निकलवाया जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि 10वीं और 12वीं के छात्र छात्रा जूता पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और बहुत सारे छात्र छात्रा सोचते हैं कि ड्रेस पहन के जाएं अपने स्कूल का, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कपड़ा नॉर्मल कपड़ा पहन के जाएं, ठीक है। और आप सभी को पानी की पारदर्शी बोतल ही ले जाएं, यानी कि आप सभी को यदि कोई दिक्कत होती है, गर्मी का माहौल है दोस्तों, तो आप सभी पारदर्शी बोतल में अपना पानी ले जा सकते हो, यानी कि कोई रंगीन बोतल ना हो, यानी कि आर पार दिखे, ठीक है, तो ऐसा बोतल ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप सभी को परीक्षा के दिन कौन सी चीज़ें लेकर के नहीं जाना है, ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लिए पहली पॉइंट है कि अनुशासन में रह करके संपूर्ण परीक्षा दें, यानी कि कोई भी छात्र छात्रा अभद्र व्यवहार ना करे, ठीक है, यानी कि कोई भी कच निचक से, वरना यानी कि आप मान लीजिए कोई टीचर से आप अभद्र व्यवहार कर दिए तो हो सकता है कि वो आपको कहीं चीट ला करके आपके बगल में खोस दे और आपको फंसा देगा, ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी पॉइंट आप सभी को विशेष तौर से ध्यान दें कि परीक्षा कक्ष में पहुंचकर अपने आसपास या डेस्क की जांच करें, कोई भी अवैध सामग्री ना हो, यानी कि मान लीजिए कोई भी क्लिप, यानी कि आपका दोस्त ही कहीं मान लीजिए कहीं आपका जो दुश्मन हो लाके ठोंक दे वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कागज में कोई उत्तर, यानी कि उस दिन का वो पर्ची मिले, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर मिले ना, फिर भी आपको लगा वहाँ पे डेस्क के नीचे डाल दे, तो ऐसा आप पहले से आपने आसपास चेक कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो जंगले के आसपास वाले जो छात्र छात्रा बैठेंगे उन्हें विशेष तौर से ध्यान देना, क्योंकि जंगले में बहुत सारे छात्र छात्रा इधर उधर करके खोसे रहते हैं क्लिप, ठीक है, तो उसे ध्यान देना है। और तीसरी पॉइंट आप सभी
देख सकते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन परीक्षा में प्रयुक्त होने वाली डॉक्यूमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट ले जा सकते हैं, वह भी पारदर्शी थैली में, असल को मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। साथ ही साथ आप चौथी पॉइंट को ध्यान दें कि स्वयं की तथा स्वयं के पॉकेट आदि की गहन जाँच कर लें, यानी कि आपके घर से ही चेक कर लें कि उसमें कोई भी यानी कि फर्जी, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी टुकड़ा हो कागज का, ऐसा ना लेके जाएँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गेट पर पहले ही चेक करवा लेते हैं, ठीक है। और उत्तर पुस्तिका में कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना है, यानी कि उत्तर पुस्तिका मान लीजिए आपका पन्ना जो गलत हो गया कोई भी उत्तर, तो उसे एक बार सिर्फ क्रॉस कर दें, उसे फाड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप फाड़ते हो तो आपकी कॉपी अवैध मानी जाएगी और आपको कॉपी चेक नहीं की जाएगी, ठीक है। और आप सभी के लिए छठवीं पॉइंट है कि पुस्तक, नोट, कागज़ या सामान संवाद के साधन मोबाइल फ़ोन या ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन या घड़ी, घड़ी आप सभी के हो, इलेक्ट्रॉनिक ना हो, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आपको बिल्कुल भी वहाँ पे आप सभी से छीन ली जाएगी। और आप सभी को यदि मान लीजिए आप कहीं रखे भी हैं जेबों में, आपको पकड़े जाते हैं तो आप सभी से यहाँ पर परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी कॉपी लिखने नहीं दिया जाएगा, और हो सकता है कि आपको रिस्टिकेट भी कर दिया जाए, यानी कि आप सभी से 3 साल के लिए परीक्षा से बैन कर दिया जाए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी काम ना करें, आप सिंपल घड़ी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसमें सब सिर्फ सुई दिखे, ठीक है, और वो चीज़ें ले जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सातवीं बड़ी पॉइंट देख सकते हैं, हो सके जूते, मोजे, बेल्ट इत्यादि पहन कर ना जाएं, यानी कि हो सके आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहन के जा सकते हैं, आपको कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप पहने हैं तो टीचर जो है विशेष तौर से ध्यान देंगे कि आपने क्या जूते में से कोई चिट निकाली है या नहीं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि आप जो है स्लीपर चप्पल पहने रहेंगे तो आपको कोई भी जो टीचर है वह परेशान नहीं करेगा, ठीक है। और आठवीं पॉइंट आप विशेष तौर ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का कलाई घड़ी पहन कर ना जाएं, समय बताने हैं तो परीक्षा केंद्र पर बेल बजती है, ठीक है, यानी कि टन मान लीजिए 3 घंटे का समय होता है दोस्तों, तो एक पहला जो लगेगा टिन वो आश्चर्य का शुरुआत हो जाएगा कि अब आपका जो पेपर यानी कि 15 मिनट शुरू होने, ठीक है, और जो 1 घंटा लगेगा, फिर 2 घंटा लगेगा, फिर 3 घंटा, और फिर आप सभी को 15 मिनट मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि टिन की आवाज़ आएगी तो आप सभी की कॉपी छीन ले जाएगी, ठीक है। और बात करते हैं कि आप सभी को कॉपी में किन पेनों का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, हाइलाइटर या किसी भी प्रकार का मार्कर पेन का प्रयोग ना करें, स्क्रेच पेन का प्रयोग ही कर सकते हैं, यानी कि आप सभी को यदि आप जो ब्लू पेन यानी कि ब्लू स्केच ले सकते हो आप हेडिंग डालने के लिए, या दोस्तों ब्लैक, और आप रेड वर्ड का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ठीक है, वरना आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी, यानी कि रेड का आपने इस्तेमाल कर दिया तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी, यह कन्फर्म है दोस्तों, इसलिए आप ये चीज़ ना करें। और हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे छात्र वहाँ पर सोचते हैं कि जो सुगा कलर का आता है हाइलाइटर या कोई भी अदर कलर का, उसे आप जो हेडिंग के ऊपर जो हाइलाइट कर देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो भी पेन बोर्ड परीक्षा में लेके जाए उसको पहले ही चेक कर ले, यानी कि चल रही है या नहीं चल रही है। और जो भी पेन का प्रयोग करने से पहले मैं आप सभी को पहले ही वीडियो बना के बता दे रहा हूँ, कम से कम आप जिस भी पेन का परीक्षा उपयोग करने वाले हो उसे 2 दिन पहले ही अपने यानी कि कम से कम 5 से 6 पेज उस पेन से लिख लीजिए। उससे लिखने से दोस्तों बहुत ही आसान पेन चलने लगती है, यानी कि जो उसकी स्याही होती है आसानी से निकलने लगती है और आप सभी को अच्छा लिख पाओगे, ठीक है, यानी कि हाथ में बैठ भी जाएगी। इसलिए आप ऐसा करिए, ध्यान दें जिस इंक का कागज के पास आर पार ना हो, ऐसी मतलब कलम आप सभी को यूज करनी है, जेल पेन का उपयोग ना करें तो ठीक रहेगा। यदि करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप सभी का जो पहले पेज के आराम से अच्छा दिखेगा, लेकिन दूसरे पेज पर आप सभी की कॉपी छप जाएगी, जिससे आप सभी का दूसरा जो क्वेश्चन लिखोगे तो उसे जो एग्जामिनर अच्छे से नहीं देख पाएगा, तो हो सकता है कि आपको कम नंबर मिले। और दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप सभी को महत्वपूर्ण अपडेट बताता रहूँगा। और दोस्तों निबंध कैसे लिखना है सारी कुछ आप सभी को जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास।